देखिए भैया ने इसके ऊपर मक्खन भी डाल दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी क्वांटिटी में होगी। और क्रीम डाली भैया ने, क्या डाला आपने? क्रीम डाली भैया ने। ये आगे इसके ऊपर धनिया अदरक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए शाहदरा के नौनी सरदार जी चिकन पॉइंट पे, जो कि आप सरदार जी से पूछेंगे कि हमें वो क्या टेस्ट कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सरदार जी से पूछते हैं कि हमें वो क्या टेस्ट कराने वाले हैं। सरदार जी, आप हमें आज क्या टेस्ट कराने वाले हैं? बढ़िया, जो आपके पास में लेटेस्ट और अच्छा है, जो भी आपका मतलब लेटेस्ट हो। ठीक है, तो हमें सरदार जी बताने वाले हैं कि अब क्या टेस्ट करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपका लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। पुराना चिकन टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, और ये हांडी चिकन? हांडी चिकन करवाते हैं, कीमा डलता है उसमें। अच्छा अच्छा, और अपने जो मसाले को सबको पता है, मसाले डलता है उसमें। तो फ्रेंड्स, हमारे सरदार जी हमें हांडी चिकन टेस्ट कराने वाले हैं, तो आइए चलिए देखते हैं इसकी मेकिंग के किस तरीके से बनकर चले हो। अंदर हमारे कंदूस स्वादी हैं, वो आपको खाएंगे क्या क्या डलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अंदर मेकिंग। फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ की हांडी चिकन की मेकिंग, और उस्ताजी से पूछते हैं कि उनको किस तरीके से वो बनाने वाले हैं। तो सर उस्ताजी, आपका पहली बार तो नाम बताएंगे जरा। मेरा नाम है कल्लू सैनी, जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस बंदे बताए जाते हैं। तो आज ये हमें बताने वाले हैं हांडी चिकन किस तरीके से बनाएंगे। हांडी चिकन बनाएंगे, आपको बनाते दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, भैया इसमें आपने क्या डाल रहे हैं भैया इसमें आपको? अमूल मक्खन। तो दोस्तों, इसमें भैया ने देखो अमूल बहुत बढ़िया क्वांटिटी में डाला। अमूल कौन सी? अमूल है ना, अमूल का मक्खन डाला भैया ने। और ये क्या डाला भैया आपने? ये क्या डाला आपने भैया? कबाब गिरा है भैया ने कीमा करके, और इसे अच्छी तरह से भैया पका रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है सर्दी के मौसम में। वो भी चिकन, वो भी कढ़ाई हंडी चिकन भैया ने डाला इसके अंदर। अभी ये चिकन ये डालिए भैया ने, कस्तूरी देगी मिर्च डाली है भैया ने ये। और ये क्या डाला भैया आपने? ये सारे मतलब अपने बनाए हुए मसाले हैं, तो भैया ने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं। अब भैया ये आपने क्या डाला है देखिए भाई साहब, क्या बढ़िया तरीके से भैया इसको फ्राई करने लग रहे हैं। ये क्या डाला था भैया अभी आपने? ग्रेवी, ये ग्रेवी डाली दोस्तों। ये मतलब पहले से एक और पहले से बना के रेडी रखी है। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया क्वांटिटी में भैया ने ग्रेवी भी बनाकर रख रखी है, और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आ रहा है, वो भी रॉयल कलर। एक बार अपना ये ग्रेवी का ढक्कन दिखाएंगे जरा, हम अपने फ्रेंड्स को दिखा। देखिए दोस्तों, कितनी क्वांटिटी में भैया ने ग्रेवी तैयार करके रख रखी है, काफ़ी गाढ़ी और काफ़ी गाढ़ी भी है। तो भैया इसमें कितने से कितना टाइम लग गया था तैयार होने में? कम से कम 10 से 12 मिनट लग गया। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं तैयार होने में। इसमें डालेंगे भैया कच्चा अंडा, और देखिए भैया का फोड़ने का स्टाइल क्या था, वो भी उंगली से। तो देखिए भाई साहब, क्या बढ़िया लग रहा है देखने में, और क्या खाने में भी उतना ही टेस्ट आएगा जितना बनने के बाद में खाना चाहिए। ये भैया ने क्या डाला इसमें? अदरक के लच्छे और धनिया, ये उबला अंडा। और ये भैया ने डाले हैं इसके अंदर उबला अंडा, उबले अंडे भी डाले हैं। उबले उबाल के पहले आप लोग रेडी कर लेते हैं सारी चीजें। इसी को बोलते हैं हांडी चिकन। तो फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं हम हांडी चिकन। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है,
भाई साहब इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, पहले इतना मजेदार और स्वादिष्ट लग रहा है कि पूछो मत ना दोस्तों। मन तो कर रहा है बस अभी ही टेस्ट कर लें फटाफट। देखिए भैया ने इसके ऊपर मक्खन भी डाल दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी क्वांटिटी में होगी। और क्रीम डाली भैया ने, क्या डाला आपने? क्रीम डाली भैया ने, यानी इसके ऊपर हमारा। तो दोस्तों हमारा ये हांडी चिकन रेडी हो चुका है और अब हम करने वाले हैं इसको फ्राई। तो दोस्तों हमारी हांडी चिकन रेडी हो चुकी है और देखिए भैया ने बढ़िया तरीके से मक्खन भी है और क्रीम भी, और ये देखिए दोस्तों हमारा ये लेग पीस भी भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हम इसको करने वाले हैं ट्राई अब, और फिर उसके बाद में बताते हैं स्वाद वाकई में कैसा है। पहले हम इसकी टेस्ट करते हैं ग्रेवी कि कैसी है ग्रेवी। वेरी डिलीशियस, मज़ा आ गया दोस्तों, हांडी चिकन खाने का मज़ा ही बहुत अलग आया। अब हम इसे कट कर लेते हैं चिकन के पीस को और अब करते हैं इसको हम ट्राई। फ्रेंड्स आप सबसे एक ही बात कहूँगा, शादरा में आइए नौनी सरदार जी चिकन पॉइंट पे और आके टेस्ट करिए खुद, और फिर हमें बताइए कि कैसा स्वाद लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में, और हमारे सारे व्यूअर्स को पता लगे कि हाँ वाकई में टेस्ट। ये सब पूछते हैं कि भैया एक तो हमें इस हांडी चिकन का जो प्राइस है वो बताइए। सर ये है हांडी चिकन का प्राइस है, क्वार्टर लोगे तो 200 रुपये का है, ठीक है। आप हाफ लेते हो तो 380 का है वो, तो अगर आप फुल लेते हो तो 780 का है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज़ और ये बता देता हूँ, जो हमारे नोनी जी थे ये नोनी जी के छोटे ब्रदर हैं, तो यही मतलब अंदर का रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कैसे किस हिसाब से करना है। तो भैया जी हम आपसे आपकी टाइमिंग पूछें कि आपकी टाइमिंग सुबह कितने बजे से और कितने बजे से नहीं है। सर हम सुबह मॉर्निंग में 1 बजे आ जाते हैं, 1 बजे तो 2 या 2:30 बजे हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, रात को 11:30 बजे तक। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आइए नोनी सरदार जी चिकन पॉइंट पर और आकर इस शॉप के हांडी चिकन का लुत्फ उठाइए, बेहद ही लजीज है मेरे हिसाब से। और आप आकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि हाँ कैसा बना है कैसा नहीं है, तो जिससे कि हमें भी पता लगे कि हाँ हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमें और हमें बता रहे हैं कि हाँ कैसा टेस्ट है। हम शॉप पे आए हुए थे, हमने कुछ कस्टमरों को भी देखा है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ का हमको टेस्ट कैसा लगा। मैम आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? तो फ्रेंड्स ये सर काफी पुराने कस्टमर हैं जो कि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, जबकि शॉप खुली हुई है। सर आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया है? तो फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं और देखते हैं मेकिंग फटाफट से। हमने यहाँ का तो ले लिया है कस्टमर से, तो पूछा हमने कि उनको कैसा लगा, और आइए चलते हैं मेकिंग देखते हैं फटाफट।